असलम होप्स यू ऑल आर डूइंग गड अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्री स्फेयर्स मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट पता नहीं द्री स्फेयर्स मॉडल जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द थ्री स्फेयर्स मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट जिसके अंदर हमारा आ, कुछ भी याद करने वाला इतना ख़ास नहीं है अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इन केस तो करना क्या आपने आपने बताना है कि एड्रेसिंग द थ्री फ्रे थ्री स्फेयर ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट क्या है थ्री फेज फेयर्स ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट मेन नाम आपने बताने तीन नाम वो तीन नाम कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड टेक्नोलॉजी बस ये पहला पॉइंट है जो याद करना है कि एड्रेसिंग द थ्री थ्री ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट क्या है वो three spheres? आपने बुलेट्स बनाने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी उसके बाद आपने आना है नीचे ये वाली जो लाइन है इस लाइन को करना है ये लाइन हमारी कैन अज इम्पैक्ट ऑन सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ठीक है अब आगे कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसे मैं कहूँ कि आप उसे मेमोराइज करो नीचे बस ये जो लिखा है हाउर प्रोजेक्ट मस्ट एड्रेस इश्यूज इन ऑल थ्री स्फेस ऑफ द दिस्टम मैनेजमेंट मॉडल बस ये आपका क्वेश्चन हो गया लॉन्ग और शॉर्ट इधर अगर फिर भी आपका लॉन्ग में आ जाता ही है तो आपने आगे क्या करना है आपने इसको बताना है कि इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इसी तस्वीर आ रही है बड़ी कैसे आई वी कैन वी कैन रिजॉल्व इट बाय और दीज फैक्ट दीज स्फेयर्स वी कैन रिजोल्व इट बाई टेक्नोलॉजी दर्गनाइजेशन गेट इशूज़ वी कैन रिज़ोल्व इट इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बट वी कैन इस तरह कुछ भी अपनी इंग्लिश मार देना बीच में मैं तो ये करती हूँ खास ख़ास इसके अंदर यही याद करने वाला है जो असल में है इस टॉपिक का बस और ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है डाइग्राम है नीचे थोड़ी सी डायग्राम को देख लो एक दफ़ा और बस ये टॉपिक यही है